सनसनी ऑफ इंडिया। कालकाजी इलाके में नेहरू प्लेस से एक नाबालिग लड़की का दिन दहाड़े अपहरण कर उसकी जबरदस्ती शादी कराने का मामला सामने आया है। कालकाजी थाना पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले इस गैंग का पर्दाफाश कर एक ब्यूटिशियन युवती को उसके भाई व दोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तिगड़ी से नाबालिग लड़की को 5 महीने बाद बरामद कर लिया गया है। युवती का भाई नशेड़ी था, इस वजह से उसके भाई की शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसकी अपने भाई से जबरदस्ती शादी कर दी थी। दक्षिण पूर्व जिला एडिशनल DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि दिनांक 8 अगस्त 2021 को थाना कालकाजी में 15 वर्ष की नाबालिग लड़की के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। कालकाजी थाना प्रभारी बलबीर ने बिना समय गवाए धारा 363 IPC के तहत FIR संख्या 551/2021 दर्ज की थी। नाबालिग लड़की के अपहरण ने कालकाजी थाना पुलिस स्टाफ की नींद उड़ा दी। नाबालिग लड़की को जल्द से जल्द खोजना और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को दबोचने के लिए ACP कालकाजी प्रदीप कुमार की देखरेख व SHO कालकाजी बलबीर सिंह के नेतृत्व में SI रवि कुमार, SI प्रदीप मलिक, महिला SI कृति, महिला कांस्टेबल सरला, कांस्टेबल वीरेंद्र, लोकेश और केशव की एक टीम का गठन किया गया। जांच टीम को पता चला कि पीड़ित का परिवार मूल रूप से राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है, जो खानाबदोश है और वर्तमान में वे नेहरू प्लेस में फुटपाथ पर रह रहा था। टीम ने सबसे पहले वारदात स्थल के आसपास लगे सैकड़ों CCTV कैमरों को खंगाला। CCTV कैमरों की जांच ने पुलिस टीम को संगम विहार के तिगड़ी इलाके तक पहुंचाया, लेकिन इससे आगे लड़की CCTV कैमरों में दिखाई नहीं दी। CCTV फुटेज से एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि नाबालिग लड़की का अपहरण करके संगम विहार इलाके में ही कहीं छुपा रखा है। जांच टीम ने सस्पेक्ट इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिस टीम को तैनात किया, मुखबिरों का जाल बिछाया। संगम विहार और आसपास के इलाकों में नाबालिग लड़की के गुमशुदगी के ह्यू एंड क्राई के कई नोटिस चिपकाए। जांच टीम लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में थी। दिनांक 10 जनवरी 2021 को लड़की के माता पिता ने कालकाजी थाने आकर बताया कि उन्हें उनकी बेटी का फोन आया था। फोन करके लड़की ने बताया कि उसको तिगरी एक्सटेंशन कहीं रखा हुआ है, इतना बोलकर फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और जिस मोबाइल नंबर से पीड़िता ने कॉल की थी उसकी लोकेशन निकाली। फोन की लास्ट लोकेशन की जांच से पता चला कि फोन सी ब्लॉक तिगरी एक्सटेंशन के क्षेत्र में सक्रिय था। तिगरी एक्सटेंशन घनी आबादी वाला इलाका है। टीम ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस सत्यापन के नाम पर बड़े पैमाने पर घर घर जाकर परिवार के सदस्यों की जानकारी लेनी शुरू की। आखिरकार पुलिस टीम C-130 तिगरी एक्सटेंशन से पीड़ित लड़की का पता लगाने में सफल रही। यहां पर किशोरी को एक युवती व उसके भाई व दोस्त ने जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ था। टीम ने सावधानीपूर्वक ऑपरेशन किया और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरसा बिहार निवासी 26 वर्षीय रंजन कुमार पुत्र सुनील झा, 28 वर्षीय रंजन कुमारी उर्फ ज्योति पुत्र सुनील झा और संगम विहार निवासी 28 वर्षीय दिलीप कुमार पुत्र रामप्रसाद के रूप में हुई। इनके कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया गया। पूछताछ में पता लगा कि रंजन कुमारी उर्फ ज्योति इस वारदात की मास्टरमाइंड है। रंजन कुमारी ने बताया कि उसे लड़की नेहरू प्लेस में मिली थी। उसे लगा कि लड़की गरीब है और उसे लालच देकर आसानी से फंसाया जा सकता है। 2-3 दिन बाद रंजन कुमारी अपने बॉयफ्रेंड दिलीप कुमार के साथ नेहरू प्लेस पहुंची और किशोरी को नए कपड़ों का लालच दिया। किशोरी अपने छोटी बहन को साथ ले जाने की जिद करने लगी। इसके बाद आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद आरोपी रंजन कुमारी उर्फ ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की मदद से नाबालिग लड़की का उसके नशेड़ी भाई रंजन कुमार के साथ C-130 डिग्री एक्सटेंशन में जबरदस्ती शादी करा दी। जबरदस्ती शादी करने के बाद नाबालिग लड़की को तिगड़ी में एक घर अंदर बंधक बनाकर रखने लगे। उसे बाहर निकलने व फोन करने की मनाही थी। 10 जनवरी को जब किशोरी अकेली थी तो उसने अपने घर वालों को फोन कर दिया था। आरोपी 26 वर्षीय रंजन कुमार पुत्र सुनील झा सरसा बिहार का रहने वाला है। यह आदतन नशेड़ी है। इसने ग्रेजुएशन किया है। इसकी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। वारदात की मास्टरमाइंड 28 वर्षीय रंजन कुमारी उर्फ ज्योति पुत्री सुनील झा भी सरसा बिहार की रहने वाली है। इसने 9वीं तक पढ़ाई की है। यह संगम विहार इलाके में ब्यूटी पार्लर में काम करती है। इसकी भी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। तीसरा आरोपी 28 वर्षीय दिलीप कुमार पुत्र रामप्रसाद संगम विहार का रहने वाला है। इसने 11वीं तक पढ़ाई की है और यह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। इसकी भी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क।
अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।